हेलो ग्रेट फाइव स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू विद एक्सप्लेनेशन एंड टेक्शल एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर फोर पार्ट्स एंड होल्स ऑन पेज नंबर सिक्सटी वन वी हैव बीन गिवन अ टॉपिक एंड इट्स नेम इज़ गेस एंड चेक ठीक है हमें पेज नंबर सिक्सटी वन पे एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है गैस एंड चेक यू हैव टू राइट इट्स्यूशन इन टेक्स बुक ओनली ओके वील रीड द क्वेश्चन ए वॉट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन चेक ठीक है क्या कहा गया है क्वेश्चन वन में कि ये हमें जो शेप्स दिए हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो कलर कर दिया गया है वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट गेस द आंसर दैट विच वॉट पार्ट इज कलर्ड एंड देन वी हैव टू चेक द आंसर हमें पहले गेस करना है कि कितना पार्ट कलर किया गया है फिर हमें आंसर चेक करना है ठीक है तो ये फर्स्ट शेप है विच इज़ लाइक अ टर्टल ठीक है और यहाँ पे क्या है ब्लू कलर का ट्रायंगल कलर किया गया है फर्स्ट वील काउंट द साइड्स ऑफ दिस ओके हाउ मेनी साइड्स आर देयर? देयर आर एट साइड्स हाउ मेनी साइड्स आर देयर? एट साइड्स तो टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे ये टोटल की बैक में एट ट्राइंगल्स बनेंगे फ्रॉम विच वन इज कलर्ड सो आवर आंसर विल बी बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन से दैट वन एट ऑफ द शेप इज कलर्ड ठीक है बाय लुकिंग एट द फिगर हम ये फिगर को देख सक देख के ये बता सकते हैं कि इसमें टोटल एट ट्राइंगल्स बन रहे हैं जिसमें से एक ट्राइंगल को कलर कर दिया है तो हमारा आंसर क्या होगा वन अपॉन एट यू हैव टू यूज योर स्केल एंड पेंसिल टू ड्रॉ दीज पार्टिशंस इन योर टेक्स बुक ठीक है नाउ फिगर टू ठीक है फिगर टू में क्या है देर इज़ अ बिग रैक्टेंगल ठीक है एक बड़ा सा मेन रैक्टेंगल है इन विच वन पिंक कलर्ड स्क्वेयर इज देर सो नाउ वॉट वील डू यूजिंग अवर स्केल एंड पेंसिल वील ड्रॉ सच पार्टिशंस एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट

देखेंगे ठीक है सो ऑन पेज नंबर सिक्सटी टू नंबर थ्री इज गिवन देर इज अ स्क्वायर ठीक है ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर रेड कलर के दो स्क्र्स दिए गए हैं हमें वो दोनों स्क्वायर्स का साइज कंसिडर करके रिमेनिंग स्क्वास ड्रॉ करने हैं ठीक है सो वेन वील ड्रॉ लाइन्स अकॉर्डिंग टू दीज टू स्क्वायर्स देर विल बी इन टोटल नाइन स्क्वायर्स फ्रॉम विच टू स्क्वायेर्स आर Colored. So, what we will write by looking at the figure, we can say that 2 9th of the shape is colored. 2 9th a total 9 parts are there, and from that 2 parts are colored red. So, our answer is 2 upon 9. Now, on number 4, there is a rectangle in which 4 squares are colored pink. Why am I saying 4? because you can see that there are two squares and one rectangle ठीक है हमें दो पिंक कलर के स्क्वायर्स दिख रहे हैं और एक रैक्टेंगल दिख रहा है अगर दो पिंक कलर के स्क्वायर्स हैं तो वो रैक्टेंगल के अंदर क्या है दो स्क्वायर्स जॉइंट हैं ठीक है है ना यहाँ पे हमें दो पिंक स्क्वायर्स दिख रहे हैं और एक रैक्टेंगल दिख रहा है तो वो जो रैक्टेंगल दिख रहा है न पिंक कलर का दे आर टू स्क्वायर्स जॉइंट ठीक है तो ये जो फर्स्ट पिंक स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो टोटल कितने बॉक्सेस हो रहे हैं यहाँ पे फिफ्टीन ठीक है फ्रॉम दैट फोर आर कलर्ड सो आवर आंसर विल बी बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन से दैट फोर अपॉन फिफ्टीन ऑफ द शेप इज कलर्ड ठीक है Now, moving on to the next question that is colored parts on page number 62. We have to write this question in notebook. Okay? You just have to write the question and the solution in notebook. Okay? So, the first question is this circle is divided into two equal parts. Out of equal parts, one part is colored blue. Okay? क्या क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हमारे पास नंबर वन में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स फर्स्ट वन इज़ ब्लू एंड सेकेंड वन इज पिंक तो हमें क्या पूछा है आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स वन पार्ट्स इज कलर्ड ब्लू यानि कि टोटल कितने पार्ट्स में से फर्स्ट वन पार्ट ब्लू कलर्ड है तो हमारा आंसर क्या होगा दिस सर्कल इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू ठीक है ना हमारे पास ये जो सर्कल है इसको दो टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है जिसमें से वन पार्ट में हमने ब्लू कलर किया गया है ठीक है वन पार्ट में ब्लू कलर किया गया है नाउ देर इज़ वन मोर सर्कल इन नंबर टू ठीक है नंबर टू में भी एक सर्कल है और उसके रिकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ इक्वल पार्ट्स डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू ठीक है क्या पूछा है हेयर द सर्कल इज़ डिवाइडेड इन टू डैश इक्वल पार्ट्स यानी कि यहाँ ये जो सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और टोटल कितने पार्ट्स हैं और उसमें से कितने पार्ट्स में ब्लू कलर किया गया है ठीक है ऑन पेज नंबर सिक्सटी टू यू कैन सी दिस क्वेश्चन इट एंड इट इज mentioned देयर एज फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है सो यू हैव टू राइट that ब्लैंक एंड द solution इन योर नोटबुक तो हमारा आंसर क्या है Here द सर्कल इज डिवाइडेड into फोर इक्वल पार्ट्स ठीक है यहाँ पे ये यह जो सर्कल है, इसके टोटल फोर इक्वल पार्ट्स हैं आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स टू पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू ठीक है यहाँ पे ये यह जो टोटल फोर पार्ट्स हैं इसमें से टू पार्ट्स में ब्लू कलर किया गया है ठीक है Now we'll move on to number 3 Here the circle is dash. ठीक है number 3 में हमें circle दिया है और उसके बाद here the circle is हमें बताना है कि ये circle के कितने equal parts हैं और कि, total कितने parts में से कितने पार्ट्स में ब्लू कलर किया गया है तो पहले हम देखेंगे हमारे सर्कल में टोटल कितने पार्ट्स हैं सिक्स ठीक है हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू सिक्स इक्वल पार्ट्स यहाँ पे ये जो सर्कल है ये सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आउट ऑफ सिक्स इक्वल पार्ट्स थ्री पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू टोटल सिक्स में से थ्री पार्ट में क्या किया गया है ब्लू कलर नाउ नंबर फोर ठीक है अगेन यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू एट इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स फोर पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू देखो यहाँ पे ये यह जो नंबर फोर का सर्कल है यहाँ पे क्या है टोटल एट पार्ट्स हैं एंड टोटल एट पार्ट्स में से फोर पार्ट्स में क्या किया गया है ब्लू कलर ठीक है सो वी कैन से दैट वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू टू अपॉन फोर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू फोर अपॉन एट ठीक है ये सारे के सारे ये क्या है इक्वल है हम ऐसा क्यों कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट सर्कल में टू में से वन पार्ट में ब्लू कलर था फिर सेकेंड सर्कल में फोर में से टू पार्ट्स में ब्लू कलर था फिर सिक्स में से थ्री पार्ट्स में ब्लू कलर था एंड फिर टोटल एट में से फोर पार्ट्स में ब्लू कलर है ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली वील मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो टिल देन बाय